सब प्यारे प्यारे लोग मेरे सामने बैठे हैं, क्या बात है। अरे वाह, शेखर सुमन भी यहाँ एकदम नहाए धोए लग रहे हैं। अरे सोनू निगम एकदम छिला हुआ अंडा लग रहा है। वो तो अनिल कपूर जैसे लग रहे हैं, चासली हैं। अरे झकास वाले भाई साहब, ये अन्ना भी आए जिनके रेस्टोरेंट वगैरह हैं। अरे भी फिल्मों में आते हैं भाई, क्या नाम है, हाँ सुनील शेट्टी, नमस्ते। देखो आज अर्चना पूरन सिंह पहली बार औरत लग रही है। सबसे पहले उन लोगों को नमस्कार जो पास लेकर आए हैं, उन लोगों को विशेष नमस्कार जो जबरदस्ती घुस आए हैं। अरे भाभी जी खुल के नहीं हंस रही है? अच्छा, डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई। ब्यूटी पार्लर वाली ने बोला होगा हमने तो डेकोरेट कर दिया है, ज्यादा हंसोगी तो मेरी गारंटी नहीं। कपूर साहब, मिस्टर इंडिया जी, आप ही के ऊपर आ रहा हूँ। स्लम डॉग पिक्चर आई, हमारे गजोदर भैया स्लम डॉग फिल्म देख के आए और अपने दोस्तों को स्लम डॉग की स्टोरी सुना रहे हैं। कल वो सनीमा देखा, उसका अंग्रेजी नाम है, अरे अंग्रेजी नाम है, हिंदी में कैसे नाम लें। हम गए रहे पुत्तन छुट्टन बैजनाथ संगठा मिश्रा, हम लोग फिल्म देखा रहा वही स्लम डॉग जो घुसे हैं भैया, ये काम किए वहाँ। स्लम डॉग ठीक है, सनीमा अच्छा दिखाया है, स्लम डॉग में सस्पेंस बहुत है। 3 घंटा फिल्म देखा, नाम रखे हैं स्लम डॉग और कुत्ता नहीं दिखाया, मगर स्लम डॉग में वही गंदगी वंदगी दिखाया, वही संडास वगैरह। तो हम समझ गए रहे इसके अवार्ड मिलना पक्का है, मगर स्लम डॉग में बाल कलाकार का काम जोरदार है। अरे वही बाल कलाकार अनिल कपूर, अनिल कपूर बाल कलाकार, अरे उनके पूरे शरीर में बाल हैं। ये फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े बाल कलाकार। आज हम आपको फिर से लिए चलते हैं रेल के सफर में, और हर एक को आज भी लोअर बर्थ का बड़ा क्रेज होता है, नीचे की बर्थ। अब बोलते हैं बाबूजी लोअर बर्थ दे दीजिए नीचे की। नीचे की बर्थ तो पूरी जा चुकी है, नीचे की तो है नहीं। क्या पुलिस में हो? नहीं साहब। तो क्या एंटी करप्शन? नहीं साहब। तो क्या नेता हो? नहीं साहब। तो लाओ 500 रुपये दे दें। 500 रुपये दिया, लोअर बर्थ लिया, रिजर्वेशन हो गया, खुश। घर में आए, अरे भाई बैग वगैरह तैयार करो, लोअर बर्थ का हो गया है। लोअर बर्थ मिल जाए बड़े नसीब से मिलता है। आए अपनी ट्रेन में, बिस्तर लगाया, पानी बोतल रखी, टॉवल रखा, विंडो की तरफ देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अकेले खुश हो रहे हैं। साहब नीचे की बर्थ का अलग आनंद है, अगर ट्रेन चलती है और प्लेटफॉर्म पे आप देखते रहिए कौन कौन सा स्टेशन जा रहे हैं, अलग अलग प्रांत देख रहे हैं, अलग अलग राज्य देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ खाते पीते जाइए। कल्याण ट्रेन पहुंची, गरम गरम वड़ा सांभर ले लिया, वड़ा पाव ले लिया है, ट्रेन नासिक पहुंची है, अंगूर ले लिए ताज़े ताज़े, नीचे की बर्थ का यही आनंद है। खेत खलिहान नदी नाले निकल रहे हैं, पूरा देश भ्रमण हो जाता है मुफ्त में, लोअर बर्थ का अलग ही आनंद। कुली बोला ओ साहब ये ट्रेन अभी आया है, जाने वाला ट्रेन 4 नंबर पे। फिर पूरा बिस्तर लपेटा, उस ट्रेन में जाके रखा, बिस्तर लगाया, फिर खुश हो रहे हैं, अकेले बातें कर रहे हैं। बड़ा अच्छा रहता है अगर रिजर्वेशन मिल जाए, हैं सुरेंद्र? ऊपर बैठे एक चाचा भी बोल रहे हैं, भाई आप बहुत नसीब वाले हैं जो लोअर बर्थ हाँ पा गए हैं, हम देखो ऊपर लटके हुए हैं। ये खुश हो रहे थे, इतने में एक फैमिली घुसी, वो लेडी होशियार गुजरातन लेडी, ए मोटा भाई हेलो, ए हमारा 15 नंबर है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऐसे है ना हमारे साथ एक बीमार औरत है, हमारी माता जी ना बीमार है, आप ऊपर का व्रत ले लो ना, हमारे साथ बीमार है, माता जी बीमार। अब सामने वाले अंकल भी, भाई आपको चाहिए एक दूसरे का मदद करें, है सफर तो ऐसा ही होता है, एक दूसरे का काम आते हैं, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन ट्रेन में निकल जाएगा। अभी बोले चुप बैठो, अभी तो बड़ा वाह वाह कर रहे थे। भाभी जी तुम्हें और कोई डब्बा नहीं मिला था? ले लो। लोअर बर्थ दे दी गाली बकता हुआ, खुद मन मसोड़ता ऊपर की बर्थ में लेट गया। तब ये महिला फिर बोली, ए मोटा भाई हमारे साथ बच्चा है, दिख रहा है, इसको भी साथ में सुला लो ना, ये नीचे माता जी के साथ सोएगा, वो बीमार है ना, ते भी बीमार गिरेगा।
बच्चा अंकल अंकल आ जाओ आजा, मन में बोल रहा है आजा कमीने। वो ढोलक टाइप लड़का, डमरू टाइप, घड़गड़ घड़गड़ चढ़ा जाके, हेलो अंकल हाउ आर यू, हेलो क्या नाम अंकल, चुप बे लेट जा। अब वो बच्चा लेटा हुआ है, इधर ये भी लेटे हुए हैं, अब दो अजनबी, दोनों का मुंह आमने सामने। अब दोनों की क्या बातें हो सकती हैं। एक बोला, तू कहाँ से आ गया? आया किधर से? मम्मी चुप चुप। अचानक बोले, हे तूने कुछ किया क्या? अंकल आपको क्या गरम गरम लग रहा है? अंकल अभी जब ट्रेन स्टार्ट होगी ना तो ठंडा ठंडा लगेगा। इतने में रात भर बेचारा अजनबी के पास लेटा हुआ, उसने तो कर दिया, उसने बेचारे नीचे साफ किया, फ्लोर पे साफ किया, जूते चप्पल हटाए, न्यूज़पेपर बिछाया, नीचे लेटा हुआ है। अब पूरी रात जिसको भी जाना होता था ऊपर जो लेटा हुआ है वो कूदता था नीचे, इसके लिए लोग ऐसे कूदते थे, ये नीचे से जरा चप्पल निकाल देना। हाँ वो ये भी कंटाल के बोल रहा है, गाली बकता हो दिल में, कितने नंबर? छह नंबर निकालो। पूरी रात चप्पल देता रहा। कोई औरत उतरे, अरे भैया नीली चप्पल निकाल लो, नीली वाली। अम्मा किसी की पहन के चली जाओ, सब सो रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे हम आइए निकालो, क्या बात कर दो। करते करते ट्रेन पहुंच गई इलाहाबाद स्टेशन, ट्रेन पहुंच गई। जो लोग लेने आते हैं रिसीव करने, प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे, ट्रेन आती है, हर डब्बे में झांकते हैं अपने रिश्तेदार को। मुंडी के साथ स्पीड मालूम पड़ती है। जी जी कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया रहा, अचार काफी थे, सब बढ़िया रहा। तुम क्या कर रहे हो गुड्डू? जी हमने फॉर्म भर दिया रेलवे का, इस बार हमारा सेंटर पड़ा अहमदाबाद। तो रिजर्वेशन करा लिया? हाँ रिजर्वेशन करा लिया, जैसे आपने कहा था हमने भी लिया है, लोअर बर्थ। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.